स्टोरी लाया हूँ, वो है सिंबा पार्ट टू। मैंने इसका पार्ट वन भी बनाया है, आपको याद है कि वेल के ऊपर पूरा जंगल आ गया था। अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाओ और चेक करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सिंबाद की जो फर्स्ट ट्रिप थी उसको पूरा करने के बाद उसने अपना बहुत बड़ा घर बनाया, लेकिन वो तब भी बहुत पुअर था। तो उसने फिर से बहुत सारा मनी अर्न करने के लिए वो फिर से ट्रिप पे जाना जाता था। तो उनके पापा का एक पुराना फ्रेंड था, वो उनसे मिलने गया और कहा, बड़े दिनों के आपसे तो मिला ही नहीं। तो सिंबाद ने कहा कि आपके पास कुछ पैसा है, मुझे दे दो, मेरा भी बिजनेस चलता रहेगा और आपके पास आपका मनी भी रहेगा। तो जो सिंबाद के पापा का फ्रेंड था उसने कहा कि मैंने अपना सारा पैसा तो किसी और को दे दिया, वो किसी को नहीं जानते, आप उसको कोई भी नहीं जानता, वो बहुत दूर है। तो सिंबाद ने कहा ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर सिंबाद जो था उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कहा कि चलो अब हम फिर से शिप रेंट पे रहते हैं। सिंबाद अपनी सेकंड ट्रिप पे निकल गया, फिर से उसको बहुत मजे आया। पहली बार नीला पानी, खुला आसमान और बहुत ठंडी ठंडी हवा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो बहुत बोर होने लगा। तो एक दिन उनको एक आइलैंड दिखाई दिया, तो उन्होंने वहां पे रोका और सिंबाद ने सोचा अब मैं जंगल के ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। जब वो वहां पे वो बहुत थक गया था तो वो एक जगह सोने बैठ गया। इतने में सब जो थे उन्होंने तो वहां पर रेस्ट कर लिया, वो जल्दी उठ गए और सब चले गए। जब सिंबाद उठा तो उसने देखा कोई भी नहीं था, शिप भी नहीं थी। तो फिर सिंबाद बहुत परेशान हो गया। तो फिर उसने सोचा कि अगर मैं ट्री पर चढ़ जाऊंगा तो कोई ना कोई शिप आएगा, तो मैं सब दे सकता हूँ। तो वो एक ट्री पर चढ़ गया और उसने तो उसने वहां से देखा कोई भी शिप नहीं आया। उसने सोचा कि मैं अगली बार से अपने आप को शिप से ही बांध के रखूंगा। तो उसको एक वाइट रॉक दिखाई दिया, रॉक यानी पत्थर। उसने सोचा कि जो नदी बह रही है ना, इनमें से कोई ये एक पत्थर गिरा होगा। तो वहां पे जाके उसको चेक करने लगा। उसने सोचा कि तो बहुत जगड़ी गई है और बहुत सॉफ्ट भी है। तभी बहुत डार्कनेस हो गई, वो सोचने लगा कि नाइट होने वाली है, जल्दी करते हैं। तो वो नाइट तो उसने देखा कि सामने बहुत बड़ा बर्ड खड़ा है। तो उसने सोचा कि बर्ड की परछाई है, नाइट नहीं है। तो उसने सोचा कि ये पक्का कहीं जा रही है। तो सिंबाद ने क्या किया, अपनी टर्बन उठाई और उस टर्बन को खोल के जो बर्ड थी ना उसको अपने आप को उससे बांध लिया। तो बर्ड बहुत ऊंचा उड़ी और सिंबाद सोचा मैंने नीचे तार नहीं किया, तारा नीचे रखे हैं, तारा बस चक्राने वाले हैं। फिर वो निकलने लगे, फिर उसने कहा अरे नहीं नहीं ऊपर रहो बस चक्राने वाले हैं। फिर वो नीचे उतरा और फिर उसने फटाफट से अपनी टर्बन खोली और फिर वो वहां पे चला गया। बर्ड थी ना उसने बहुत जोर से ऐसे ऐसे किया, सिंबाद एक गड्ढे में गिर गया। वहां पे सोचने लगा कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊंगा,
तभी उसको क्या दिखा कि बहुत सारे स्नेक हैं वहां पर। तो वो बहुत डर गया। तो तब उसको एक बात समझ में आई, जो स्नेक है वो बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि बर्ड बहुत बड़ी थी। स्नेक तो उससे भी बड़ा था, स्नेक भी बड़ा था। तो जब स्नेक बाहर नहीं आ रहे थे, वो बहुत परेशान हो गया। और फिर उसको, आपको पता है क्या दिखा? उसको देखे वहां पे डायमंड्स। उसने सोचा, ये डायमंड्स को मैं लेके जा सकता हूँ। तो उसको एक स्मेल आई, स्मेल। उसने सोचा, स्मेल कहाँ से आ रही है? तो वहां पे जा गया, गया। उसको मास देखो, बहुत बड़ा मास। तो जो बर्ड थी ना, वो वहीं पे ही खड़ी थी। फिर सिंबाद उस मास को खाने ही वाला था, अभी उस बर्ड ने उसको उठा लिया। सिंबाद सोचने लगा कि जो बर्ड है, ये इस मास को खाना चाहती है। तो उसने क्या किया पता है? उसने अपनी टर्बन फिर से उतारी और फिर उस अपने आप को मास से बांध लिया। इतना बड़ा मास। आपको एक बात बताऊं, जितने उन जो सिंबाद की पॉकेट थी ना, उसने उस पॉकेट में बहुत सारे डायमंड्स रख लिए थे। तो जब बर्ड उड़ रही थी, सिंबाद सोचने लगा, पक्का ये मास ये अपने बेबीज के लिए लेके जा रही है। जब वो उसके घोंसले में उतरा, तो वो एक पन्नी में बंद हो गया। और फिर वो खुला तो देखा कि उसके पापा का जो पुराना फ्रेंड था, वो था। तो सिंबाद ने कहा, चाचा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जो सिंबाद के पापा के पुराने फ्रेंड थे, वो कुछ ऐसे बोले, मैं तो बस यहाँ पर मानक लेने आया था, प्लीज तुम मुझसे नफरत मत करना, प्लीज। तो जो सिंबाद था, उसने कहा कि मैं आपसे क्यों ऐसे नफरत। सिंबाद एकदम समझ गया कि जो चाचा जी है, वो डायमंड चुरा रहे हैं। तो सिंबाद ने फटाफट से बोला कि आप डायमंड चुराना बंद करो, ये बहुत गलत बात है। तो चाचा जी ने सिंबाद को सॉरी बोला और फिर वो दोनों फिर से बगदाद चले गए। तो सिंबाद ने कहा कि वान के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर देना। बाय।